नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो 27 अप्रैल 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का और फ्यूचर्स का बाइसेल लेवल्स दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, वो भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रेटजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा ये सब मैंने ये इस इक्विटी जो दिख रहा है, इस इक्विटी का मैंने बाय सेल लेवल दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग कोई भी बाय सेल लेवल में काम कर सकता है। और आप लोग ट्रेनिंग मेरा ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग ले लीजिए, ट्रेनिंग में आप लोग को बहुत ही इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका बहुत सारा वीडियोस है जो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारा स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स है जो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस सभी को काम पे आएगा। ये है इक्विटी का लेवल्स, इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स, तीनों सेटअप बाई सेल लेवल्स है। आप लोग देख लीजिए जरा, आप लोग पहुँच करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा गान, फिबोनाची, मूरेस, मैथमेटिकल्स लेवल्स, बहुत सारा लेवल्स है, आप लोग जरा देख सकते हैं। आप लोग पास करके आ थोड़ा सा धीरज रख के देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग कोई भी एक में काम कर सकता है, नहीं तो सभी लेवल कंपेयर करके जो सही लगेगा आप लोग काम कर सकते हैं। और अगर गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है, ये कमोडिटी का लेवल्स है। कमोडिटीज का कम्युनिटीज का और भी कुछ लेवल बाकी रह गया। आप लोग मेरा यूट्यूब का वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और आप लोग जो मैंने रेगुलर बेसिस पे लाइव डेमो दिखाता हूँ और जो बाय सेल लेवल दिखाता हूँ, वो आप लोग पिछले दिन वाला डेट से सोच लीजिए, 15 डेज या 1 मंथ का डेट देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा इसमें कितना एक्यूरेसी आ रहा है। मैंने इसके बाद फ्यूचर्स का कुछ लेवल दिखाता हूँ, तो आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इसको कॉल सर्विस लेने के लिए या ट्रेनिंग लेने के लिए। ये ट्रेनिंग बहुत ही वैल्यूएबल होगा क्योंकि इसमें आप लोग को 50,000 1 लाख का रुपीज खर्च करके आप लोग जो ट्रेनिंग मिलेगा उसमें भी आप लोग को इतना सारा नहीं मिलेगा, तब भी आप लोग को इतना सारा नहीं मिलेगा। प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स जो कुछ भी है तो इसी लेवल पे चलेगा। आप लोग को नहीं मानेगा तो आप लोग बाद में
आप लोग को जब देखेंगे तो आप लोग को समझ में जरूर आ जाएगा। 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी है, वाटर पेन में 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी बनाए। इसका हाई लो जब ब्रेक करेगा कट करेगा, हाई लो जब ब्रेक करेगा ब्रिटानिया में बना है, ठीक है, इसके बाद आईजीएल में बना है, और इसमें आर्बिट्रेज का बेसिक स्पेंड आप लोग को दिख जाएगा, फ्यूचर को इक्विटी का कितना ये, और कोरिलेशन में इसमें पेयर ट्रेडिंग में आप लोग को आ सकता है कि आप लोग को कौन सा स्टॉक्स में 90% के ऊपर होगा और कौन सा स्टॉक्स बाई करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, ये भी आप लोग को दिख जाएगा इधर से। इसके बाद इनसाइड द बार NR4 NR7 का स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ। NR4 NR7 का स्ट्रेटेजी इनसाइड द बार NR4 NR7 कौन सा स्टॉक्स में बना है, SEC 2 दिन के हिसाब से इनसाइड द बार बना है। इसके बाद अदानी पावर बॉन्ड बना है, इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल में बना है, एशियन पेंट में बना है, ठीक है। उसके बाद इधर लोअर हायर है या लोअर हायर लोज बना है बजाज ऑटो में, इसके बाद बाटा इंडिया में भी हायर है हायर लोज बना है, लोअर हाई लोअर लोस इंडिगो में बना है, ये लास्ट 3 दिन से बना है। इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इन्वर्टेड हमार पॉजिटिव हमार हैंगिंग बैंड कुछ बना है क्या नहीं बना है देखते हैं। इसमें नेस्ले इंडिया में बना है इन्वर्टेड हमार, ओपन ड्राइव बना है, बियरिस बुली बिली बियरिस ओपन ड्राइव बना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बजाज फिंसर में बना है, और भी मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट बना है, ये सब कैंडल स्टिक देख सकता है। इसमें बियरिस एनगल्फिंग बुलिस एनगल्फिंग 50-50 ये सब बना है, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट आप लोग देख सकते हैं कौन सा स्टॉक्स में बना है। और जो लोग को आप लोग इतना सारा चीज़ जो है जो लोग कॉल सर्विस लेंगे इसमें आप लोग को पूरा फाइल दे दूंगा, और मेरा भी कॉल्स रहेगा और लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे। और इसमें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वोलेटिलिटी बेस्ड और स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड फिबोनाची का लेवल्स वो आप लोग को दिखाता हूँ। वही आप लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखने से क्या होता है कि इसमें जो वीकली या मंथली जब लेवल ब्रेक होता है अच्छा मूवमेंट मिल जाता है इंटरडे के अंदर, वो तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन इंटरडे में भी कुछ अच्छा मूवमेंट आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ATR वाला बेस्ट लेवल्स भी आप लोग को दिखाऊंगा। यह CPR पिवट पॉइंट का लेवल इधर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची लेवल्स है, इसका आप लोग नोट करके रखिए और गैप अप गैप डाउन कंसीडर करके आप लोग जब इसमें ट्रेड करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे आप लोग देख सकते हैं मार्केट इसी का ही सबसे मूवमेंट करेगा करता है। इसमें स्टैंडर्ड डिविजन बेस्ड फिबोनाची लेवल्स, ये इलियट वेव है, इलियट वेव भी अच्छा काम करता है। आप लोग जो को जस्ट लेवल को मैच करना है कौन सा लेवल पे है उसी का हिसाब से आप लोग को लेवल को समझ लेना है। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड लेवल्स और ये भी एक वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल लेवल्स, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख सकता है, सॉरी मेरा लाइव डेमो देख सकता है। और भी कुछ लेवल दिखा देता हूँ आप लोग को जो लॉन्ग टर्म का है, ये ATR बेस्ड लेवल्स है जो आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा, ये लेवल्स भी आप लोग नोट कर सकता है।
वो आप लोग को वेबसाइट में भी मिल जाएगा, कैमरे का कैलकुलेशन और गन का जो कैलकुलेशन फ्री में मिलता है। एटीआर बेस्ड लेवल्स है, फिबोनाची और लेवल्स एटीआर 14 पीरियड और टू रेंज, 1 पीरियड और 14 पीरियड का। और जो लोग ये गन एंगल्स ठीक है, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहता है वो थोड़ा सा एटीआर 14 का लेवल्स है, उसको लिए भी उनको लिए भी गन एंगल का स्टैंडर्ड डिविएशन 7 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से बना के रखा है। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेड भी कर सकता है और मार्केट का मूवमेंट भी आप लोग को पता चल सकता है, मार्केट का मूवमेंट भी ट्रैक कर सकता है। और ये एक दिन का हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। नमस्कार, अभी इसको ख़त्म करता है।